आज का हमारा एक गोल्ड ट्रिक था, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, ठीक है। हम डेली ऐसे सिग्नल्स देते हैं, उसमें का आज का जो ट्रेड लिया था मैंने उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। आज अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रही थी, ठीक है। 26 सेकंड 25 सेकंड थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना ट्रेड लगा दिया। इसके पीछे का भी लॉजिक है, 1 मिनट पे जाएंगे तो यहाँ पे अपने को एंट्री मिल जाएंगी आसानी से, ठीक है। तो मैंने 1 मिनट पे देखने के बाद यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे अगर डोजी बन रही है तो मे भी यहाँ से यहाँ तक तो जाने के चांसेस थे। एक ग्रीन और एक रेड लाइन क्या है ये आपको मैं बताऊँगा, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको ये सब बता पाऊँगा कि कहाँ से क्या और क्यों मैंने एंट्री की। यहाँ पे क्यों एंट्री की वो तो मैं अभी भले बता दूंगा। यहाँ पे एंट्री करने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा पिन बार बनाया, मैं डोजी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट पिन बार बनाने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त इसमें हमें मूव देखने को मिला, ठीक है। फिर हमने काफ़ी थोड़ा देर वेट किया इसका टारगेट हिट करने का, जो 1:2 से थोड़ा ज़्यादा इसका टारगेट मैंने रखा हुआ था, तो उससे का बस मैं वेट कर रहा था, ठीक है। थोड़ा देर पेशेंस रखने के बाद, थोड़ा देर वेट करने के बाद ये टारगेट मुझे 2 ही कैंडल में मिल गया। इसके लिए मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा दोस्तों, थोड़ा देर यहाँ पे टाइम पास किया। यहाँ पे फिर एक अच्छा खासा एक स्पाइक भी है। फॉरेक्स मार्केट की सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें कुछ भी डीके नहीं होता है, जैसे इंडियन मार्केट में निफ्टी वगैरह है जिसमें प्रीमियम्स जो इतने भयंकर गिरते हैं, आज और कल जो था मुझे इतना परेशानी हो गई थी प्रीमियम की वजह से। ऑप्शन सेलिंग करता नहीं हूँ, ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इंडियन मार्केट। अगर आपको इजी मनी बनाना है तो आपको फॉरेक्स में आना पड़ेगा, और फॉरेक्स में आने के बाद आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। जैसा आप देख सकते हो कि छोटा सा ट्रेड लिया 10-15 मिनट में एक से डबल हो गया। अब $50 लगा, 100-150 बना के लेके चले जाओ, $150 लगा, 300-350 लेके चले जाओ, जितना आप लगाओगे उससे ज़्यादा आप इसमें कमाओगे, ठीक है। सिंपल शॉर्ट सी ट्रेडिंग है, 5 मिनट 15 या 45 मिनट पे अपना एक क्या बोलते हैं उसको 15 या 45 मिनट पे अपना एक एनालिसिस कर लो। एंट्री के लिए 5 मिनट है 1 मिनट का, कंफर्मेशन के लिए 5 या 1 मिनट पे जाके चेक कर लो। देखो अभी मैं 1 मिनट पे जा रहा हूँ, 1 मिनट पे देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ था, देखो मैंने ये देखा ही नहीं, मैं 5 मिनट पे जाके सीधा एंट्री कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखो अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बना था और यहाँ पे पिन बार बन गया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते देखते अभी क्या होता है, ठीक है। इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था क्या नहीं था ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर लीजिए, यहाँ पर मैं आपको डेली सिग्नल्स भी दूंगा, अपन लाइव पे आते लाइव भी इसके बारे में बात कर सकते हैं अच्छे से, मैं आपको अच्छे से सिखा भी सकता हूँ लाइव आने के बाद। व्हाट्सएप में सब इसलिए हो जाइए ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरा लाइव चल रहा है या कुछ भी, क्योंकि मैं कभी भी ऑनलाइन आ सकता हूँ, मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ, कभी भी ऑनलाइन आ जाता हूँ, 2-3 ट्रेड ले लेता हूँ, 2-3 ट्रेड में अच्छा सा प्रॉफिट हो जाता है मुझे। आप नीचे भी देख सकते हो यहाँ पे 2-3 ट्रेड्स लिए हुए, छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बड़ा टारगेट रहता नहीं, हमें ज़्यादा कुछ लेना है नहीं। इतना हाई जाने के बाद भी यही हाई पे मैंने ट्रेड लिया, और ये हाई पे लेने के बाद भी मैंने टारगेट अचीव किया है, इसमें बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा टाइम पास किया मार्केट ने, बहुत ज़्यादा टाइम पास किया, एक कैंडल के टाइम 5 मिनट बहुत टाइम पास किया, इसके बाद बहुत ही अच्छा स्पाइक मिला है इसमें, अच्छा मूव आया इसमें, ठीक है। मूव आने के बाद काफ़ी बड़ा स्पाइक दे दिया, एक ही स्पाइक के साथ हमारा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है।